प्रदेश भर में ग्रामीण क्षेत्रों की जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्राम पंचायतों के तहत नियुक्त किए गए जल रक्षक एक बार फिर लामबंद होते नजर आ रहे हैं। ऊना जिला मुख्यालय पर जल रक्षकों ने जिला प्रशासन के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा। इस अवसर पर जल रक्षक संघ ने जिला अध्यक्ष इकबाल सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायतों के तहत रखे गए जल रक्षकों के लिए सरकार को एक स्थायी पॉलिसी लानी चाहिए। उन्होंने सरकार से उनके नाम मात्र के मानदेय को बढ़ाकर सम्मानजनक करने के साथ साथ पार्ट टाइम पीरियड को 12 से घटाकर 8 वर्ष करने की गुहार लगाई है। मेन मकसद मुद्दा है 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष कार्यकाल किया जाए, क्योंकि इस महंगाई के दौर में इतना लंबा समय है और हमें जो मासिक वेतन मिलता 4500 मिलता है वो भी ना के बराबर है, क्योंकि इससे परिवार का भरपूर करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अभी हमें माननीय मुख्यमंत्री श्री सुक्खू जी ने आश्वासन दिया कि आपका कार्य अप्रैल मास में कर दिया जाएगा और आपका अनुबंध कार्य 8 वर्ष कर दिया जाएगा। जल रक्षकों का कहना है कि प्रदेश सरकार इस वर्ग के कर्मचारियों की तरफ भी ध्यान दे ताकि वे अपने परिवारों का अच्छे से पालन पोषण कर सके।